राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ताजा मामला न्यू केंट रोड हाथी बड़कला स्थित महाकाली मंदिर के आसपास स्थित पूरे इलाके से निकलकर सामने आया है, जहां महाकाली मंदिर परिसर के भीतर और आसपास बरसात में 4-4 फीट तक पानी भर जा रहा है, जिसके चलते मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसी विषय को लेकर महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा यहां पर जो भी नाले बनाए गए हैं उनके निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा आज मंदिर समिति को भुगतना पड़ रहा है। इसी क्रम में महाकाली मंदिर के पुजारी पंडित विजेंद्र प्रसाद पैनयुली ने बताया कि मंदिर के अंदर अत्यधिक पानी भरने के कारण इसकी दीवारें नीचे धंसने लगी हैं और दीवारों में क्रैक लगे हैं, जिससे मंदिर परिसर में आने वाले लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। समस्या इस बरसात में ज़्यादा हुई है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सड़क के एक पार नाला बना, उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया कॉलोनी का, दोनों का पानी आता है, लेकिन उस नाले की निकासी की व्यवस्था सड़क के इस पार मंदिर के सामने एक बना हुआ नाला है उसमें डाली गई, लेकिन जो मंदिर के सामने नाला बना वो भी पूरा नहीं बना, अधूरा बना है, उस कारण से उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसकी निकासी की एक पुरानी व्यवस्था मंदिर के बगल में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में जाने वाले पुराने नाले में थी, उसमें उस भूस्वामी ने उसमें नाला बंद कर दिया। नाला बंद करने के कारण अब वहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण, क्योंकि पानी ना उस नाले का ना उस नाले का कहीं नालों में नहीं बह रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है जहाँ पुरानी व्यवस्था थी। पुरानी व्यवस्था होने के कारण वो ज़मीन के नीचे जाकर सीधा मंदिर के अंदर आता है। मंदिर के पास की सारी दीवारों से, मंदिर के फर्श से, चारों तरफ से पानी मंदिर के अंदर आता है, कहीं कहीं फिर पानी भर जाता है, जिसके कारण से मंदिर का सारा सामान यहाँ खराब हो चुका है। पानी निकालने के लिए दो दो मोटरें यहाँ पर लगाई गई, और पंडित जी की व्यवस्था यह है कि रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, 4 बजे जब बारिश होती है तो मंदिर की तरफ भागते हैं, कैसे यहाँ से पानी ऊपर से फ्लो होकर पानी आता है और यहाँ नाले का पानी इधर से भी आता है। कम जो है 30 फुट गहरा खाला था, ये पूरा इस खाले में पानी जाता, ये खाला पूरा उन्होंने भर दिया, जिसके कारण जो पानी जो ऊपर ऊपर सड़क की ओर भरने शुरू हो गया और सारा सड़क में आर के पार इस छोर से उस छोर तक जो है पूरा पानी भर जाता है और पूरा पानी मंदिर में जो निकल रहा है, सीढ़ियों से भी सब जगह से पानी निकल रहा है। मंदिर को सारी दीवार साहब नीचे बैठ गई, चारों तरफ जो है दरारें पड़ गई है मंदिर के, चारों तरफ दरारें पड़ गई। हमने 3 मोटर लगा रखी है पानी की निकासी के लिए, 3 मोटरें लगा रखी है, लेकिन जो है कितना पानी झेलेगी मोटर। कल रात को भी हमने जो है कम से कम जो है 4-4 फीट पानी पूरे हॉल में भर गया, जिसके कारण जो है पूरे कपड़े मंदिर के अलमारियों में पानी घुस गया, बक्सों में पानी घुस गया, बिस्तर सारे हमारे सारे खराब हो गए। हम तो खुद जो है पूरी रात भर जो यहाँ जो है बैठे हुए हैं।